अगर आप स्पीकर का बॉक्स बनाते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसे जो रुई आती है, ऐसी रुई आती है जो इतनी क्लीन नहीं होती लेकिन थोड़ी गुनी हुई रुई आती है, वो फेविकोल लगा के स्पीकर में ऐसे लगा देनी बहुत ज़रूरी है। चारों ओर इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में, चारों ओर ऐसे लगा देनी ज़रूरी है, जिससे आपका स्पीकर आवाज़ अच्छा करेगा। अभी चार साइड में लगाने की बाकी है, मैं धीरे धीरे लगा देता हूँ। फेविकोल लगा देना है, फिर उसके ऊपर ये रुई रुई ऐसे लेना है हाथ में और थोड़ा थोड़ा करके लगा देना है। ऐसे रुई थोड़ा थोड़ा करके ऐसे लगा देना है, चिपका देना है थोड़ा थोड़ा करके। देखा मैंने चिपका दिया ऐसे, बस ऐसे चिपका देना है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा थैला है जो फिलिप्स के स्पीकर के अंदर रखा हुआ था, बॉक्स सील कर दिया था। उसके आगे मिड रेंज का स्पीकर था 40 वॉट का। तो अभी ऐसे है, देखो ये अंदर आता है ऐसे, इतना बड़ा ये अंदर से आता है। मैंने उसकी जगह पर ऐसा कर दिया है, अभी थोड़ा बाकी है फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये 40 साल पुराना है तो ये रखने का कुछ वजह होगी, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। भर दिया है अभी चारों ओर से रुई से। और ट्विटर दोनों फिट कर दिए हैं। ये MCI का 4 ओम्स का 70 वॉट का स्पीकर है और ये स्वेटोन का 50 वॉट का ट्विटर है जो अभी मैंने ऑर्डर किया है। और ये पुरानी वाइकॉन कंपनी की नेटवर्क है जो मैं जिसमें मीडियम और जिसमें ट्विटर और वूफर है।